मोदी एकदम झूठ बोल रहा है। वो सब प्राइवेट को दे रहे हैं ना, सरकार सक्षम नहीं है इसलिए तो प्राइवेट को दे रहा है। वो हमारे आदिवासी को कुछ नहीं दे रहा है। वो आदिवासियों की खेती करने लायक जमीन वो वहाँ से तो वो हाईवे लेके जा रहा है, तो आदिवासी कहाँ खेती करेगा? फिर अन्न किसको खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? अभी आदिवासियों गांव को उठा के वो हाईवे बना रहे और ये सारी जनता कहाँ जाएगी? अनगिनत गांव उनको वो हटा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं, ये प्रजा कहाँ जाएगी? विकास कर रही है सरकार, वो अदानी का कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर रही है, तमाम चीजें अदानी को दे रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो 4-5 उद्योगपति है उनको पूरा देश दे चुकी है सरकार। पकौड़ा बेच रहे हम, टायर पंचर बना रहे हम, देश में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। यूं वो फेंकू है, 400 पार 40 पार भी नहीं हो पाएगा। वो कहाँ दिख रहा है आपको गुजरात मॉडल? कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे हमारे गांव में तो कोई गुजरात मॉडल दिख नहीं रहा है, कोई विकास दिख नहीं रहा है। आप हमारे आदिवासियों के गांव में आइए, वहां देखिए क्या विकास हो रहा है। कुछ विकास नहीं हो रहा है, आके देखिए आप। वो तो कोई दिखाता ही नहीं है गाँव में कुछ। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, सबका साथ। नहीं है। तो क्या लगता है 2024 में क्या होगा? 2024 में परिवर्तन आए ऐसा सब लोग चाहते हैं। जी बताइए आप। सब लोग चाहते हैं कि 2024 में परिवर्तन आए, और आना ही चाहिए। आना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं 10 साल में हमने बहुत विकास के कार्य किए। वो तो कहता ही है। प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा आदिवासी समाज को बचाना। हाँ अच्छा, मोदी जी एक गुजरात मॉडल का बहुत मतलब पूरे कहाँ दिख रहा है आपको गुजरात मॉडल? कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे हमारे गांव में तो कोई गुजरात मॉडल दिख नहीं रहा है, कोई विकास दिख नहीं रहा है। मतलब विकास आप हमारे आदिवासियों के गांव में आइए, वहाँ देखिए क्या विकास हो रहा है। कुछ विकास नहीं हो रहा है, आके देखिए आप। वो तो कोई दिखाता ही नहीं है गांव में कुछ। लेकिन वो तो कहते दिल्ली से जाके के गुजरात जाके देखिए गुजरात में जितना विकास किया है। कहीं ये हमारे गांव गुजरात में है। जम्पाव से आए वो रास्ता देखा आपने? जम्पाव से जो आए वो रास्ता देखा, वो बोल रहे हैं विकास का मॉडल था। कहाँ विकास हुआ? कोई विकास नहीं है। आप हमारे गांव में आइए, वो गांव वाले भी है, हाईवे देखिए, कुछ विकास नहीं है। और यहाँ पे बैठे बोल देता है विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो और अभी आदिवासियों गांव को उठा के वो हाईवे बना रहे और ये सारी जनता कहाँ जाएगी? हमारे जो आजू बाजू के गाँव है, कितने सारे गाँव है अनगिनत गाँव, उनको वो हटा रहे है, कहीं और लेके जा रहे हैं, ये प्रजा कहाँ जाएगी? वो तो आदिवासी से पास जंगल जोर सब कुछ छीन रहा है, तो क्या वो कहाँ से बैठ के कहेगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं जल जीवन जंगल हम बचा रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, मोदी एकदम झूठ बोल रहा है। वो सब प्राइवेट को दे रहे हैं ना, सरकार सक्षम नहीं है इसलिए तो प्राइवेट को दे रहा है। वो हमारे आदिवासी को कुछ नहीं दे रहा है। वो आदिवासी कुछ नहीं दे रहे? नहीं, आदिवासियों की खेती करने लायक जमीन वो वहाँ से तो वो हाईवे लेके जा रहा है, तो आदिवासी कहाँ खेती करेगा? फिर अन्न किसको खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? गुजरात की रहने वाली है, बताए गुजरात के लोग मोदी से खुश है नहीं है? नहीं खुश है। हम तो नहीं खुश है। नहीं खुश है बिल्कुल। बदलाव करेंगे इस बार? बदलाव करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये थे गुजरात के लोग, गुजरात की जनता, युवा और महिलाएं, जिनका कहना है कि मोदी राज में हम खुश नहीं हैं और हम इस बार 2024 के जो चुनाव है उसमें बदलाव करेंगे और राहुल गांधी पर हमें भरोसा है, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसका विकास हुआ है यहाँ? विकास कर रही है सरकार, वो अदानी का कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर रही है, तमाम चीजें अदानी को दे रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो 4-5 उद्योगपति है उनको पूरा देश दे चुकी है सरकार, और कांग्रेस आकर इनके पास वापस छीनेगी इस देश की जितनी भी तिजोरी के ऊपर जो हाथ रख कर बैठी है भाजपा सरकार, वो तमाम की तमाम चीजें वापस लेगी और वैसे ही खुशहाली वाले दिन वापस लाएगी जैसे पहले थे। पहले खुशहाली के दिन थे, है ना? आप भी बड़े हुए हो, मैं भी बड़ा हुआ हूँ। खुशहाली नहीं थी जब? चैन सुकून से आदमी नहीं रह सकता था? थोड़ा सा कमा कर आराम से नहीं जी सकता था? अपना थोड़ा सा जो सेविंग था वो कर सकता था? अभी सेविंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। हर चीज के ऊपर देखो परेशानी के अंदर इंसान पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, बदलाव होगा? हाँ इंशाल्लाह होगा। राहुल जी आएंगे इंशाल्लाह। राहुल जी आएंगे? हाँ राहुल जी आएंगे। राहुल जी की क्वालिटी है? हाँ है ना, पूरा कॉन्फिडेंस है। राहुल जी आएंगे इंशाल्लाह।
प्रधानमंत्री कह रहे हम 400 बार जा रहे हैं, 400 राहुल गांधी आए, वो फेंकू है, फेंकू है, फेंकू है, तंतन फेंकू है, अरे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो क्या है, फेंकू है वो, राहुल गांधी फुल बहुमत से आएंगे, 400 बार करके आएंगे, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो करते, भाजपा कह रही है 400 बार, वो फेंकू है सब, उसका खुद का परिवार नहीं है, देश का परिवार है, उसका खुद का परिवार नहीं है तो, हाँ देश के लिए त्याग दिया है किसने, मोदी ने क्या किया है, हम अभी मजदूरी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे देश के लिए त्याग दिया है, कुछ नहीं दिया, चलता हूँ मैं, अभी हम टायर, हम पकोड़ा बेच रहे हैं, हम टायर टायर पंचर बना रहे हैं हम, देश में क्या किया उसने, कुछ नहीं किया यूं, वो फेंकू है, 400 बार 40 बार भी नहीं हो पाएगा वो, हम गुजरात के, हमको मालूम है गुजरात में ही पला हुआ है वो, हाँ वो देश का क्या भला किया उसने, कुछ नहीं किया वो, पूरे देश में बता रहे गुजरात मॉडल, नहीं कुछ नहीं है मॉडल, सब आदिवासी अन्य जाति सब मजदूरी करके खा रहे हो, आदिवासी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हुआ है, नहीं नहीं होगा, अब मुश्किल है, नामुमकिन है अब, तब क्या होगा, अब राहुल जी आएंगे, प्रधानमंत्री के दौर में वही चलेंगे, बदलाव, हाँ बदलाव होगा, बदलाव।